नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, नदिता और अपर्णा सेन समेत 500 हस्तियों ने जताया नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध, सरकार को लिखा खुला पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा नागरिकता संशोधन विधेयक, शिवसेना ने बताया वोट बैंक की राजनीति। टीएमसी के सांसद ड्रेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, कहा इतिहास नहीं जिन्ना की कब्र पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर किया प्रदर्शन, कैंपस में रैप के जवान तैनात, धारा 144 लागू। ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच बढ़ा टकराव, बंगाल सरकार ने यूनिवर्सिटी चांसलर के तौर पर घटाई गवर्नर की ताकत। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर टीएमसी सांसद का मोदी पर हमला, का आज के वक्त में हिटलर के दौर से काफी समानता। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम में प्रदर्शन हुआ तेज, अर्धसैनिक बलों के जवान पूर्वोत्तर हुए रवाना। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर में तेज हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई इलाकों में सेना तैनात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा प्याज लहसुन नहीं खाती हैं लेकिन महंगाई दूर करना होगा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने अपनी बेटी का नाम रखा नागरिकता, नागरिकता संशोधन विधेयक पास होते ही तिरंगा लेकर मनाया जश्न। संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने पर नाराज आईपीएस अफसर ने दिया इस्तीफा, कहा एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम करें विरोध। ग्रामीण इलाकों में सबसे निचले स्तर पर गिरी मजदूरी, सितंबर में -3.8% रही ग्रोथ। नागरिकता संशोधन विधेयक का असम में प्रचंड विरोध, प्रदर्शन, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लागू। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में सुलगा असम, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू, सीएम सोनोवाल के घर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के पूर्ण विचार याचिकाओं पर आज विचार करेगी शीर्ष अदालत। 16 साल पुराने बयान का हवाला देते हुए बोले जेपी नड्डा, कहा मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया नागरिकता संशोधन विधेयक। संसद में संजय राउत ने अमित शाह पर कसा तंज, कहा जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर हैं। सिल्वर मिनी ड्रेस में सनी लियोन ने दिखाई हॉट अदाएं, वायरल हुआ फोटो। बिग बॉस 6 की विनर उर्वशी ढोलकिया का फोटो हुआ वायरल, गोवा में दोस्तों के साथ कर रही है मस्ती। भागलपुर कला केंद्र के कलाकार शानू वर्मा को बनारस में किया गया सम्मानित, शहरवासियों ने दी बधाई। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।